डन, थैंक यू जी। चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मैं खा लूंगा, आ जाइए आप। आप ऐसे दे दीजिए, थैंक यू। राजा पिज्जा हमारे हैप्पी बर्थडे बोल दे। आप सबको खिला दूं मैं? कैमरे खिला दो, कैमरे खिला दीजिए। हाँ, ऐसे सामने रखो। ये आप सबके लिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके लिए। और आई वांट टू से कि जो मेरा मन चला रहा, जैसे कि आप जानते हैं मेरा टाइटल है मन चला, लेकिन इस अगर इसको पूरा देखा जाए तो इस पर मन चला तो ज़्यादातर लड़कों को बोला जाता है, लेकिन इसमें मेरे डायरेक्टर ने इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफाई किया गया है कि मन चला एक लड़की भी हो सकता है। और जिस तरह का मेरा शूटिंग रहा, जिस तरह का मेरे डायरेक्टर के साथ काम रहा, जैसे हमने किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रहा। तो शूटिंग सीक्वेंस है उसमें जो मतलब यूज़ में है हेलीकॉप्टर का, जैसे क्या हुआ कि हम काफ़ी अलग अलग लोकेशन पे शूट कर रहे थे, तो जैसे हमारे पैकअप हो रहे थे कि दूसरी लोकेशन पे गए हम, कि दूसरे गए तो ऐसे हो गए, तो सडनली मुझे कहा कि चलो अब हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे। तो हम गए, मैंने देखा सडनली वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ग्राउंड कुछ भी है नहीं, एम्प्टी था बिल्कुल। तो मैंने कहा अब यहाँ पे क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। आई वॉज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड कि मुझे पता ही नहीं था कुछ क्या होने वाला है। फिर सडनली हेलीकॉप्टर आया, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब ये मेरे लिए आ रहा है। आई वॉज सो सरप्राइज, और उस जो मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मेमोरेबल था। एंड हेलीकॉप्टर के साथ शूट करना वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई डायरेक्टर जो उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छे से डिज़ाइन किया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बेस्ट पार्ट ये है कि आप पे फोकस है म्यूजिक वीडियो, 90% आप दिखेगा कि बिटवीन अ गाय एंड अ गर्ल, जो कि सिचुएशनल वीडियो रहता है, काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये कितना बड़ा चेंज लाने वाला है आगे म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री में कि इवन अ फीमेल कैन लीड अ म्यूजिक वीडियो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वेरी ट्रू। जैसे कि जो मेरा टाइटल है मन चला, ये स्पेशली लड़कों के लिए बोला गया, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि एक लड़की वुमेन ओरिएंटेड चीज भी, एक सोलो लड़की भी बहुत चीजें कर सकती है। जैसे अगर आप मनचला लड़का कर रहा है तो इसमें लड़की होना, लड़का को होना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ एक लड़की को सोलो रखते हैं तब भी इस चीज़ को बहुत ही सुंदर ब्यूटीफाई करके इस चीज़ को ला सकते हैं। लड़की को आप सुंदर दिखा सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, वुमेन ओरिएंटेड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर लड़के वाला बॉयज सॉन्ग्स में लड़का को होना ज़रूरी है। बिना लड़के के लिए चीज़ बहुत सुंदर हो सकता है, अच्छा दिख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी यंगस्टर हैं, मेरे एज के हैं या फिर जितने भी आजकल के यंगस्टर हैं, उनको इस तरह के हैप्पीएस्ट और जॉयफुल, थोड़ा सा नॉटीनेस, ऐसे चीज़ें अच्छे लगते हैं। और मैं उम्मीद करूँगी सबको बहुत पसंद आएगा और पसंद करेंगे लोग। हाउ इज योर क्वेश्चन द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द एल्बम, द प्रोड्यूसर इज के और द डायरेक्टर ने कैसा क्वेश्चन डाला? जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने पहली बार मुझे डायरेक्टर ने कॉल करके बताया कि हम कुछ एल्बम शूट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एल्बम बहुत अच्छे इस तरह से शूट कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं मुझे इतना ब्यूटीफुली खेलने के लिए दिया गया है डायरेक्टर्स ने। जैसे कि मैं बहुत ही एक चुलबुली लड़की होती है, उस तरह के कैरेक्टर्स दिया गया। जब उन्होंने बताया कि आपका ऐसे किरदार है, आप इस तरह से करेंगे, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत कुछ, सारे पोटेंशियल मेरे ऊपर ही ढाला गया है और मुझे ही सुंदर दिखाया गया है, मेरा ही सारे ब्यूटीफाई किया गया है। तो डायरेक्टर के साथ ही वो सो नाइस, जैसे अभियंत आनंद जो मेरे डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया, इतने अच्छे से चीज़ें बताया। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ हिम अगेन एंड अगेन। आई वुड से ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड डायरेक्टर। मेरा शॉर्ट फिल्म जो रहा, दैट माई शॉर्ट फिल्म वॉज लाइक द
वेरी डिफरेंट देन वर हैव रिसेंटली डन दिस म्यूजिक एल्बम. शॉर्ट में मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है कि जैसे कि आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आप स्क्रिप्ट करो, उसके अकॉर्डिंग्स आपको एक्सप्रेशन देना होता है, उसके अकॉर्डिंग्स आपको एक्ट करना होता है. लेकिन म्यूजिक वीडियो में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं है, बस आपको बताया जाता है कि आपके ये सॉन्ग से ये गाना है, आपको खुद से अंदर से निकालना होता है जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप बताया जैसे कि आप अभी आपका सैड है तो आपको सैड करना है, या फिर आपको ये हैप्पी है तो हैप्पीएस्ट करना है. तो देयर इज़ अ फार डिफरेंट, आई वुड से कि ये डिफरेंस है एक वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म और एल्बम में. अगर एल्बम देखा जाए तो उस पर आपको इनर टैलेंट निकालना पड़ता है. शॉर्ट फिल्म जो रहता है उस पर आपको स्क्रिप्ट के ऊपर अपना टैलेंट निकाल के बात करना पड़ता है. देखिए मेरा जो जर्नी रहा है, मैं बिलोंग्स करती हूँ वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा सिटी सिलीगुड़ी से, और मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैं आई पहली बार बॉम्बे और सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये बहुत बड़ी भीड़ है. इस शहर में आपको खुद का पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी भीड़ है, अब इस शहर से मैं इस भीड़ से अपना पहचान कैसे बनाऊं, और मुझे इस भीड़ में खोना नहीं है, इस भीड़ से निकलकर मुझे एक अलग पहचान बनानी है. मैंने सोचा कि अब मुझ में जो कमी है सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर काम करती हूँ. तो फिर मैंने देखा, मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया एक्टिंग स्कूल, मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे सिखाया. अभी मेरे 6-7 मंथ हो गए मैं एक्टिंग के ऊपर काम कर रही हूँ, और जैसे मैं काम करते गई वैसे मुझे शॉर्ट फिल्म मिलते गए, वेब सीरीज़ मिलते गए, मैंने काम करते गए, और मुझे आगे भी उम्मीद है कि मैं अच्छी करूँगी. और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग लड़ने से पहले आपको चीज़ के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना, जानकार होना बहुत ज़रूरी है. और मैं इस शहर में तो आई हूँ अपना सपना पूरा करने के लिए, लेकिन इस शहर में आकर मैं यहाँ से ट्रेन में बैठ के घर वापस नहीं जाना चाहती. मैं प्लेन में बैठ के जाना चाहती हूँ, अपने माँ को लेकर आना चाहती हूँ, और इस शहर में सेटल होना चाहती हूँ. ये मेरा ख्वाहिश है, ये मेरा सपना है, और भगवान जानता है मुझे उम्मीद है कि मेरा सपना पूरा हो. और जैसे बिना किसी तैयारी के कोई जंग नहीं लड़ सकते, वैसे ही मैं इस जंग के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, इस एक्टिंग फील्ड के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, मैं हमेशा करती रहूँगी. जैसे आप जानते हैं कि एक्टिंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसीजर, कुछ भी हो ज्ञान आप हमेशा, आप कभी एंडिंग नहीं रहता इसका. तो मैं हमेशा सीख रही हूँ और मुझे उम्मीद है अच्छी करूँगी. एक कहावत कहना चाहती हूँ, जैसे आप जानते हैं कि कमा सा निकला हुआ तीर और जुबा सा निकला हुआ सब कभी वापस नहीं आता. तो जो जो टैलेंट मुझे दिया गया, जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया, जो चीज़ करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं इस चीज़ को खोना नहीं चाहती हूँ. अगर मेरे कमान में एक ही तीर है तो मैं सही जगह पर निशाना मारना चाहती हूँ, भले इसके लिए मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, या फिर कितने भी साल लगे, मैं कोशिश करती रहूँ. जहाँ से आप आती हैं, काफ़ी लोग क्रिएटिव लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बना चुके हैं, क्या कहते हैं कि वहाँ से आके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया है, रीजनल इंडस्ट्री भी होती है, वाई बॉलीवुड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अब बॉलीवुड बहुत बड़े इंडस्ट्री है. जैसे आप मानते हैं कि जैसे हम मैं बंगाल से, तो वहाँ पे बहुत सारे बंगाली मूवीज़ हैं और भी बहुत सारे तरीके के. लेकिन जो बॉलीवुड में, अगर आपने एक बार काम कर लिया बॉलीवुड से, कुछ चीज़ें आपने सीख ली, यहाँ पर सीखने को बहुत मिलते हैं. जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर आपने कमर्शियल सिनेमा सीख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी जगह पर रिजेक्शन होगा, या फिर आपको कोई भी आपको इस तरह से बोलेंगे कि आप में कुछ कमियां है या फिर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है. अगर आपने कमर्शियल सिनेमा सीख लिया, अगर आपने बॉलीवुड में कुछ 2-4 काम कर लिया, तो आपके लिए दी बेस्ट रहता है आगे बढ़ने के लिए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी लाइन हो. शहर में अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं, और हर किसी का सपना ये रहता है कि वो बड़ी हीरोइन बने, अच्छी हीरोइन बने. मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दीपिका बनूँ या प्रियंका बनूँ, और मेरा ऐसा कोई ख्वाहिश भी नहीं. बस मेरा ये सपना है कि जब तक अभी जिस उम्र से मैं एक्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ अभी राइट नाउ, टिल माय लास्ट ब्रीथ, मेरा जो लास्ट ब्रीथ रहे वो सेट पे ही रहे एक्टिंग. उन्होंने मुझे जो चीज़ें सिखाई, आज जो भी हूँ मैं, आज जो भी 2 शब्द आपको सामने बोल पा रही हूँ, मैं मेरा सारा क्रेडिट उनको ही देना चाहूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया. उनको मैं गुरु मानती हूँ, मेरे मेंटोर है वो, अभी यही मेरे साथ है. मैं चाहूँगी कि वो आए मेरे साथ, 2 शब्द बोल दे, सर आ जाइए प्लीज़. सर आ जाइए, उसको फिर लॉन्च में लोग आते हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत हो, ज़रूरी हो. मुझे ऐसा लगा कि कविता के अंदर वो टैलेंट है, और वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करना चाहती है
जिसमें वो मेहनत करके सीखना चाहती है, वो शॉर्टकट से नहीं आना चाहती इस इंडस्ट्री में। तो मैंने इसको एक्टिंग सिखाई और अभी मोस्टली इसके रसास पे वर्क हो रहा है, उसके बाद इसके डिक्शन होगा, क्योंकि जिस जगह से ये बिलोंग करती है उस जगह का डिक्शन, उस जगह के बोलने के जेंडर्स में थोड़ा सा वो है। अभी टोटली एक्टिंग पे फोकस है, उसके बाद इसके जेंडर पे वर्क होगा, मीन्स कि ये जो डिक्शन पे वर्क होगा। और फिर देखें, मैं तो बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि ये लाइफ में बहुत राइज करे और अच्छे काम करे। सर, आपने जो रशेस देखे हैं अभी गाने के, क्या कहना चाहेंगे एक्टिंग के बारे में कविता जी की? और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छी बात है, मुझे डायरेक्टर साहब का काम बहुत अच्छा लगा, मुझे आनंद जी ने जो लिरिक्स लिखी है वो बहुत अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात है जब मैंने इसका एक्सपीरियंस पूछा तो पता चला कि इन्होंने तपती धूप के अंदर और एक दिन में 3-3 बार ड्रेसेस चेंज की, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हेलीकॉप्टर शॉट्स को दिखाने में कि सर मैंने ऐसा शूट किया, मैंने वैसा शूट किया। तो एक रिच वीडियो, एक बहुत अच्छी वीडियो, सिंपल सुबर वीडियो, और एक लड़की जो मंचला हो सकती है, वो वीडियो देख के मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। आज सर वैसे दोहरी खुशी का मौका है, आज एल्बम भी रिलीज हो रहा है और कविता जी का बर्थडे भी है सर, तो क्या प्लान है सर, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं ये, और आज केक भी आप लोग लेकर आए हैं सर? आप सबसे बड़ा सेलिब्रेशन तो आज आप मीडिया भाई लोग आ गए सब लोग, इससे बड़ा सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता लाइफ के अंदर किसी का भी हो सकता है और किसी आर्टिस्ट का हो सकता है। जैसा अभी मैं सुन रहा था, इसने बोला कि मैं जिस एज में आई हूँ टिल माई लास्ट ब्रेथ मैं सेट पे अपने वर्क करती रहूँ और मेरी लास्ट ब्रेथ वहीं हो, तो ये कहना इसका मतलब ये आदमी बहुत डेडिकेटेड और डिवोटेड है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट को पहुंचाने वाला जो हमारे सामने मीडिया है, मैं तो उसका थैंक्स बोलता हूँ, इससे बड़ा बर्थडे इसका कोई नहीं बन सकता। तो थैंक्स टू आर मीडिया पीपल, जितने भी आप तमाम लोग आए हैं अपना समय निकाल के, और वो भी उस आर्टिस्ट के लिए जो अभी धीरे धीरे उभर रही है। मोस्टली कैमराज उधर जाते हैं जहाँ जिनके इन्होंने नाम लिए, प्रियंका का,